14 से 25 की उम्र, ये एक ऐसी उम्र है जब तक आप इस पृथ्वी पर जिंदा हो, कब क्या कैसे करना है, ये सारी चीजें 14 से 25 की उम्र डिसाइड करती है। अगर आप एक लग्जूरियस लाइफ एंजॉय कर रहे हो, अगर आप एक नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहे हो, तो इन सबका डिसीजन 14 से 25 की उम्र में ही हो जाता है कि आप कैसी जिंदगी चाहते हो। और हाँ, एक चीज और, इस उम्र में गर्लफ्रेंड बनाने का मन करता है। अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोलता। अगर तुम गर्लफ्रेंड बनाकर आगे तक ले जा रहे हो, लाइफ टाइम एक ही लड़की को प्यार करते हो, तो सही है। फिर अगर तुम सिर्फ गर्लफ्रेंड ही बना रहे हो, एक को बनाया एक को छोड़ा, अगर तुम्हारा यही पैसा है, तो तुम मेरी एक बात याद रखना, कल वही लड़कियां तुम्हारे कटोरे में सिक्के डालेंगी। और हाँ, ये बात लड़कियों पे भी लागू होती है। इसीलिए बोला जाता है कि 14 से 25 की उम्र में ऐसे काम करो जब तक तुम इस पृथ्वी पर रहो तो सफल बन के रहो, लोगों के लिए मिसाल बनो यार, लोग तुमसे सीखे, ऐसे बनो यार। तो अब मैं आपको ऐसे 3 पॉइंट बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। फर्स्ट नंबर है, फॉलो योर ओन पाथ, अपने बनाए रास्ते पर चलो, दूसरों की सुन लो, क्योंकि लड़ाई की नहीं जा सकती, इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एज में हमसे बड़े हैं। तो सुन लो बस, लेकिन करो वही जो तुमने सोचा है, क्योंकि ज्ञान तो बहुत लोग देते हैं लेकिन साथ कुछ से भी कम लोग देते हैं, इसीलिए हमेशा अपने बनाए रास्ते पर चलना चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट है, डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग, फालतू चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये जो एज होती है 14 से 25, ये बहुत छोटा समय होता है। अगर आप फालतू चीज़ें सोचोगे तो ये एज निकल जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो कुछ ऐसा सोचो जो तुम्हारे माइंड को ऊर्जा दे। तुम सोचते हो कि खाना खा लिया, शरीर को ऊर्जा मिल जाएगी, अब मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, तो आप गलत सोच रहे हो। जब तक अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं करोगे, जब तक माइंड को ऊर्जा नहीं दोगे, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए फालतू बातें छोड़कर माइंड को अच्छी बातें बताओ, उसके बाद फिर अपने अंदर के चेंजमेंट को देखना। अब तीसरा पॉइंट है, टेक अ रिस्क, रिस्क लेना सीखो। अब तुम्हारा मन है बिजनेस करने का, अब तुम सोच रहे हो कि अगर मैं बिजनेस में फेल हो गया तो फैमिली वाले मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे, लेक्चर देंगे। अब तुम यही सोचते सोचते अपनी फैमिली के दबाव में आके एक नॉर्मल इंसान की तरह काम करने लगते हो। पता, 100 में से 90% लोग फैमिली के दबाव में आके काम करते हैं, तभी इतनी बेरोजगारी है हमारे इंडिया में। इसीलिए कहा जाता है, रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। तो यार, रिस्क लेना सीखो। तो यार, मैंने 3 पॉइंट आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आप 3 पॉइंट को फॉलो करते हो तो आप लाइफ में बहुत हो। तो यार, फिर से उन 3 पॉइंट को रिपीट कर देते हैं। तो यार, सबसे पहला पॉइंट है, फॉलो योर ओन पाथ, अपने बनाए रास्ते पर चलें। सेकंड पॉइंट है, डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग, फालतू चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोच का रिस्क, अपने जीवन में रिस्क लेना सीखो। तो यार, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।